तो बस जी यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है। और मम्मा आप अपनी चाय निकाल लो, आप अपनी चाय निकालो, फिर हमारी थोड़ी और ज़्यादा पका देना, क्योंकि आप कम पत्ती की पियोगी। और थोड़ी सी अब इसे और पका दो। पत्ती डालो इसमें? ना ना यही पक जाएगी। तो क्यों हम कम पत्ती, कम पत्ती क्यों खा रही है? और लो तो आप डालो में ज्यादा पत्ती वाली नहीं पीती। तो इसमें आपने ज्यादा ही पत्ती तो डाली है, तो फिर ज्यादा पक जाएगी, तो फिर आपको कड़वी लगेगी, इसने कहा। मैंने कंफ्यूज्ड, आज मम्मी कंफ्यूज्ड हो गई है। अच्छा आप ये कहना चाह रही होगी कि हम कम पक्की क्यों पिए? ओके पत्ती वाली है, ज्यादा पत्ती की, कम पत्ती की पीती हूँ। हाँ। तो अब वो ये है ना कि फिर ज्यादा पकेगी तो पत्ती और उसमें घुलेगी और कड़वी हो जाएगी, बस इतनी पकी हुई बहुत है। तो बस जी यहाँ पर मम्मी हमें चाय बना के दे रही है, और चाय पे बड़ा बवाल होता है। ये मुझे बहुत कहा जाता है कि चाय भी बना के खुद नहीं पी सकती। भाई मम्मी मेरे नखरे उठा रही हैं और मुझे नहीं हाथ लगाने दे रही है। हमारे यहाँ नहीं होता, मैं नहीं लगा सकती हाथ। तो मम्मी को प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं लोगों को क्यों इतनी प्रॉब्लम है। फिर इस बात पर हम बात कर चुके हैं पहले भी, हम लोगों ने अच्छा एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को जवाब दिया था। तो आप क्या कर रहे हो? अच्छा, और आज मम्मी थोड़ा कुछ डिस्कस भी करते हैं, अब टाइम नज़दीक आ गया है, सवा महीने का, सवा महीने का कौन से दिन करना है। हाँ विदाई का भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। अरे आ जाओ, चाय बन चुकी है, चलो हाँ अंदर बैठ के ही पी लेंगे। अच्छा दो बच्चे नीचे हैं, वो लोग सो रहे हैं, लिबा और छोटी बीबी, वो नीचे सो रही है। तो बस हम चाय पी लेते हैं, चाय की टेबल पे, चाय की मेज़ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ ना कुछ। क्या करना है, कैसे करना है, तो पहले चाय पी लें हैं, फिर करें डिस्कस। आपकी कौन सी है? यही है ना आपकी? मैं बता दूँगी उस पर। हाँ इस पर हल्की सी मलाई आ गई है और इस पर नहीं है। हाँ और आयरप्पी का तो अलग ही कप है, लीजिए आयरप्पी। हाँ अभी आप कर लेना। आयरा ने पूरा ही पैकेट खोला। हाँ हाँ दोनों खुल जाएंगे, फिक्र मत करो आप, खुल जाएगा, सब खुल जाएगा। बस अब हम लोगों ने चाय पी ली है और अब हम, मैं बोल रही थी ना कि हम कुछ डिस्कस करेंगे, छोटे मोटे ही सही, लेकिन मैंने सोचा कुछ डिस्कस करे तो आप लोग के सामने कर लेते हैं। तो मम्मी अब आप बताइए कि सवा महीना कब का करने का आपका प्लान है? कब करा जाए? परसों, परसों यानी सवा महीना करने के लिए। तो चलो ठीक है फिर करेंगे। वैसे हम लोग के प्लान्स कुछ अलग थे, हम सोच रहे थे बाजी होती तो फिर हम कुछ अलग तरीके से करते हैं ना। और मैंने भाई से कहा भी था बाजी आ जाना, लेकिन बाजी अभी गई है, फिर वो ये कह रही थी कि ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए फिर वो नहीं आ रही है। तो अब यही है कि कोई है भी तो नहीं, बाजी होती है तो वो काफी सारी चीजें कर लेती है। अब मैं और मम्मी क्या करें, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है सर। मैं तो मना ही कर रही हूँ, मेरे को कुछ भी मत करो, रहने दो। तो फिर भी लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि एक शादी भी है हमारे, बहुत खास है, उनकी शादी भी है तो उसमें भी चले जाएंगे, सवा महीना भी कर लेंगे। सवा महीना वैसे कुछ खास नहीं है, बस वही होता है छोटी मोटी रस्में होती है, नहाना धोना होता है। वैसे तो घर में मतलब कुछ अगर बनाओ तो बना लो, लेकिन उस दिन हम दावत में हैं, इनवाइटेड है, तो हम फिर वहाँ चले जाएंगे और यही सब होगा, और तो कुछ खास नहीं होगा। जो भी होगा मैं आप लोगों के लिए ज़रूर शूट करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि हम लोगों ने इस बार कैसे किया। सिंपल तरीके से करेंगे लेकिन इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही करेंगे। और उसी दिन फिर मैं आपको नाम भी रिवील करूँगी कि हमने अपने बेबी का नाम क्या रखा है ना मम्मी, सही रहेगा ना? और कुछ, और कुछ कहना आपको? आप तो कुछ बोल ही नहीं आज, हर समय ही बोलती रह गई। आप भी कुछ बोलें? बोलना कुछ है? कुछ भी बोले। मम्मी मुझसे कह रही थी मेहंदी लगा लेना तुम, अब कपड़े कह रही थी बहुत अच्छे पहनना। वैसे मेरा भी थोड़ा सा अंदर से मन है कि अब मैं पता है एक साल से तैयार नहीं हुई हूँ ढंग से, ऐसी पागलों की तरह भूत की तरह घूम रही हूँ, और अब भी हालत मेहंदी लगाना अच्छे से तैयार होना। तो मैं सोच रही हूँ कल पार्लर भी कराऊँ। ये पता है आईब्रोज आप लोगों को पता कब की बनी हुई है? जब कश्मीर गए थे ना तभी की है, मतलब उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पेन रहता है तो मैं कुछ भी ऐसे काम नहीं कराती। तो सोच रही हूँ, ऐसा विचार कर रही हूँ कि कल मैं पार्लर हो जाऊँगी तो देखते हैं। और फिर परसों तो है ही, परसों 27 तारीख है, तो फिर परसों तो ये सारी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। और फिर बस बैक टू द रूटीन, रूटीन लाइफ अपनी शुरू हो जाएगी। जैसे नियर से मुझे डर लग रहा है सोच के कि आपके बिना रहना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन क्या करें, ये भी ज़रूरी है, ज़िंदगी का पार्ट है।
आयरा का ट्यूशन नहीं भेज रहे हैं। हाँ हाँ आयरा का 1 महीने हो गए जब से मेरी डिलीवरी हुई है। हाँ तो आयरा को हमने मुश्किल से इस महीने, मतलब पूरा मैं आपको बता रही, मुश्किल से 2 या 3 दिन गई है हार्डली। इसके बाद वो ट्यूशन ही नहीं गई क्योंकि यहाँ से बहुत दूर पड़ जाता है, उल्टा स्कूल पास है लेकिन ट्यूशन दूर है, तो इस वजह से आयरा का ट्यूशन मिस हो रहा है। फिर मैंने मैम को ये बोल दिया था, मैंने कहा मैम जब मैं फिर वहाँ आ जाऊँगी फिर मैं नवंबर से ही इसको ट्यूशन भेजूंगी, क्योंकि इतने चक्कर नहीं हो पाते हैं ना कि इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, तो फिर इस वजह से आयरा का ट्यूशन मिस हो रहा है। वैसे भी नॉर्मल जो पढ़ाई होती है ना वो भी मिस हो रही है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं करती है, बस यही है कि खेल खिलौने ये वो यही सब चलता रहता है। दादी आपके ऊपर ही हंस रही है। दादी मुझ पर हंस रही है, हंसने दो कोई बात नहीं। दादी आपके ऊपर हंस रही है, दादी मेरे ऊपर नहीं मेरी बातों पर हंस रही है। मम्मी कुछ बोलो आज आप चुप हो। कुछ ना बोलने आज आपको बोलने कोई है ही नहीं। अच्छा आज कोई टॉपिक नहीं, आज कोई मालूम सलाह नहीं है, कुछ बोलने की बात आएगी तो बोलूंगी। अच्छा अच्छा बस यही छोटा मोटा डिस्कशन करना था, तो मैंने कहा चलो आज हम कर लेते हैं बैठ के, फिर देखते हैं आगे वाली वीडियो देखना। हाँ फिर वो आगे वीडियो में हम लोग बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। चलो तो आप लोग यहाँ क्या होता है मुझे वो भी कमेंट करके जरूर बताना, क्या पता हम वो भी कर लें, है ना। कुछ आइडिया इतना ज्यादा आ नहीं रहा है दिमाग में कि हम करें क्या, तो जो नॉर्मल चीजें होती है वो तो हम कर लेंगे लेकिन कुछ एक्स्ट्रा वो आ नहीं रहा है। अच्छा पहले हम लोग ये सोचे थे कि हम कहीं बाहर जाते डिनर पर, तो लेकिन अब वो डिनर ही शादी है फिर कहाँ जाए, तो वो भी एक अच्छा एंटरटेनमेंट होगा। अच्छा एंटरटेनमेंट होगा। मैं भी सही बताऊँ ना मैं आपको कि मैं भी कहीं जाने का मेरा भी बहुत ज्यादा मन कर रहा है, कोई गैदरिंग में कोई शादी में कुछ ऐसा, क्योंकि काफी टाइम हो गया एक ना बीमार जिंदगी जीते 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 जीते, अब भी वो 2 जोड़ी कपड़ों में पूरा 1.25 महीना निकालना ये वो, तो ऐसा लग रहा है कि मैं ठन के अच्छे से तैयार हूँ, काफी सारे लोगों से मिलूं, तो मेरा भी मन है। इस वजह से फिर हम लोगों ने यही प्लान किया कि अच्छे से बन के घूम तभी से लहंगा चुन्नी पहन के। मां मैं बता रही थी मम्मी आज कह रही तू लहंगा चुन्नी पहन लियो, मैंने कहा मम्मी अब लहंगा चुन्नी तो नहीं रहने दो, मैं नहीं पहन पाऊंगी, लहंगा चुन्नी तो ज्यादा हो जाएगा, सूट पहनूंगी कोई इंशाल्लाह अच्छा सा हैवी पहनूंगी, ठीक है। तो तैयार होंगी, सोचा तो है मेकअप बढ़िया से करूंगी और फिर तैयार होंगी, फिर जाएंगे धासू से बनके शादी में, फिर वहाँ सबसे मिलकर आएंगे, काफी सारे लोग जाने वाले हैं, एक अच्छा वो हो जाएगा। वैसे कहते हैं मायके जाते हैं पैर फिराने के लिए, मैं हर बार जाती थी, आप लोगों ने देखा ही, आयरा के टाइम पे चलो नहीं करती थी ब्लॉगिंग लेकिन निभा के टाइम पे आप लोगों ने देखा था, 1.25 महीने के 2 दिन बाद मैं घर चली गई थी, लेकिन अब मेरी मजबूरी ऐसी है कि मैं जा ही नहीं, मेरा इतना मन कर रहा है, मेरा मन करता है घर से फोन आता ना, मेरा मन करता है मैं उड़ के पहुंच जाऊँ लेकिन बस यही है कि आयरा के स्कूल्स के चक्कर में मैं नहीं जा सकती, ये दिसंबर में जाके मौका मिलेगा जब छुट्टियां पड़ेगी दिसंबर की तब मैं जाऊंगी। और हमारे यहाँ ना थोड़ा सा ये भी कहा जाता है, अब फिर लोग इन बातों पे विचार करेंगे लेकिन होता है ऐसे ही, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे ऑपरेशन होता है तो उसमें तो और ज़्यादा, जैसे 1.25 महीना मम्मी ने मतलब बिठा के अच्छा खासा मेरा ध्यान रखा है आराम कराया है, तो जैसे अगर आयरा का स्कूल नहीं होता ना फिर अब इसके बाद में जाती अपने भाई के, है ना, फिर 1-1.5 महीना वहाँ रह आते तो 2-2.5 महीने का अच्छा एक आराम हो जाता है और पूरा बदन भी पूरा पक्का हो जाता है, उसके बाद फिर अपना करते रहो जो भी करना है, तो ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन अब मैं नहीं जा पा रही हूँ मजबूर है ना, तो बस यही आप लोगों को बताना था। तो चलो फिर अभी अभी के लिए तो बाय है, फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे हम क्या करेंगे, दोनों बच्चे नीचे सो रहे हैं, आवाज आ रही है, नहीं अभी नहीं अभी नहीं, चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी सी देखना, है ना, चलो बाय ये हो गए हमारी मम्मी टमाटर तैयार, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हल्दी में जा रही है मम्मी, और आयरा तो जा नहीं रही, आयरा का मन ही नहीं कर रहा, चल रही है जाना है जल्दी, फटाफट जाना है बताओ,
तो बार बार कंफ्यूज क्यों करती हो, कभी जाना है कभी नहीं जाना है। हो गया, 9 बजे कह दिया। चलो मैं इसे जल्दी से तैयार करती हूँ, आप अस्सलाम वालेकुम कर लो। आप तो जल्दी में जा रहे हैं, आप तो दिन ब दिन खूबसूरत महकता फूल होती जा रही हैं, और एक से एक बढ़िया कपड़े पहन रही हैं और बढ़िया लग रही है। सही बात है, होना चाहिए। और गाइज, हाँ गाइज, चलो तो मैं आयरा को जल्दी से तैयार कर देती हूँ, ठीक है। चलो भाई, अब बच्चे जा रहे हैं, ये इमरजेंसी में जा रहे हैं। जाओ जाओ भाई जाओ, एक बार पीछे मुड़ के सब बाय कर लो। बाय, ये लोग जा रहे हैं हल्दी के प्रोग्राम में। हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, जाइए जाइए, बाय बाय। जाओ, आज सुलिभा भी जा रही है।